discussing about that, ki what are the other functions which bank is doing. Bank deposits ke alawa, accepting the fund ke alawa, what kind of other services they are doing, right? The first one is remittance of fund. What is the meaning of remittance? Transferring the fund from one account to the another account, that is known as remittance of fund. आपको पता है कि essential services bank के दो क्या हैं? क्या क्या service है? Depositing, accepting the deposit and taking the loans. That is the main function of the bank which they are performing. Ancillary functions or ancillary services are the additional services which is provided by the bank. कौन सी services है? Additional services. एक और चीज, ठीक है? So the additional services which is provided by the bank. Additional services का मतलब है कि जो loan देने के अलावा और deposit of fund के अलावा जो बाकी काम है. अब पहला तो आया remittance of fund, मतलब कि एक account से दूसरे account तक पैसा transfer करते हैं. अब जरूरी नहीं है कि that account is available in Patna only, that account is available in the India only, but that can be possible in the international या foreign basically countries as well. अगर दूसरी कंट्री में हमारा अकाउंट है और हमें अचानक से पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, नोन है, तो वो आपको पैसे सेंड करते हैं, भेजते हैं पैसे. तो द रेमिटेंस ऑफ फंड इज बेसिकली, इट इज शोइंग दैट हाउ यू आर ट्रांसफरिंग द फंड, किस तरीके से पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं. और इसके लिए बैंक ने एक अलग ही इनका स्ट्रैटेजी है. दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी तो सिर्फ हम इंडिया की बात भी नहीं कर सकते, बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस इंडिया से बाहर भी हैं, है ना. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ देयर इज इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री. अब यहाँ पर एक ब्रांच से अगर हमें दूसरे ब्रांच में पैसा शिफ्ट करना है या फिर हमें पैसा ट्रांसफर करना, तो अर्लियर व्हाट वी वर डूइंग, अगर हमें पैसा डिपॉजिट करना होता था अकाउंट में या फिर पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था, तो हम क्या करते थे? वी वर बेसिकली गोइंग टू द बैंक, है ना, वहां पर पैसा निकाला, फंड दिया, पैसा दिया और उसके बाद उस एक फॉर्म भर के डिपॉजिट कर दिया और दो तीन दिन के बाद दैट इज रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट. दैट वॉज द अर्लिएस्ट वन. ये तरीका था, आज भी ये तरीका अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है. बट विद दिस देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम थ्रू विच वी आर ट्रांसफरिंग द फंड. ट्रू, आई मोबाइल ऐप, इंटरनेट मोबाइल ऐप के थ्रू आजकल मल्टीपल जो भी जितने भी आपके बैंकिंग सर्विसेज हैं उसके ऑप्शंस आपको इंटरनेट के थ्रू है, है ना. आप इंटरनेट को यूज कीजिए, पैसा ट्रांसफर कीजिए, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक कीजिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, ब्रांच या एड्रेस चेंज करने के लिए कीजिए. दे हैव ऑल द फंक्शंस ओवर द इंटरनेट. क्लियर? सो अभी अगर हम बात करें मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड. द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड इज द ओल्ड मेथड. द नेक्स्ट वन इज ETM, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मेथड. ETM, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मेथड. सो इन द ट्रेडिशनल मेथड द फर्स्ट वन इज द मेल ट्रांसफर. द फर्स्ट वन इज द मेल ट्रांसफर. आई गेस आई ऑलरेडी इलैबोरेटेड इट, पहले भी पढ़ाया है क्लास में. सो मेल ट्रांसफर में क्या होगा, मनी जो है वो ट्रांसफर होगा थ्रू द मेल ट्रांसफर. इन दिस सिचुएशन कोई भी अकाउंट है लेकिन सेम ब्रांच में है, याद रखिएगा, सॉरी अलग आपका अदर ब्रांच में, सेम बैंक में. जैसे मान लो कि बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया था शायद एक गोला रोड में और एक मान लो BOI जो है वो आपका है फ्रेजर रोड में, ठीक है. अब अकाउंट जो ब्रांच है दैट इज डिफरेंट बट द बैंक इज सेम. सो इन दिस सिचुएशन द मेल ट्रांसफर इज यूज व्हेन यू हैव टू ट्रांसफर द फंड इन द सेम बैंक बट इन द डिफरेंट ब्रांच. द वे ऑफ ट्रांसफरिंग, मेल ट्रांसफर में क्या होता था कि आपको कुछ नहीं करना होता था, बेनिफिशियरी डिटेल. बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, है ना. जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिएगा उसका अकाउंट डिटेल लिखिएगा ना कि नहीं लिखिएगा, लिखना है. तो अकाउंट डिटेल को मेंशन कर दिया हमने चेक के बैक पीछे, ये सॉरी रिसिप्ट या फॉर्म के पीछे मेंशन कर दिया या फॉर्म में लिख दिया,
अकाउंट, उसका नाम लिख दिया और इंफॉर्मेशन जो भी है लिख करके हमने क्या कर दिया, पैसा जमा कर दिया एक ब्रांच में और फिर दूसरे ब्रांच में पैसा चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. ब्रांच इज डिफरेंट बट बैंक इज सेम. तो दैट इन दैट सिनेरियो द मेल ट्रांसफर वॉज इवन आज भी यूज होता है. क्लियर हो गया व्हाट इज मेल ट्रांसफर. नेक्स्ट वन इज, हाँ, फर्निश करना पड़ेगा डिटेल वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह, ट्रांसफर कितना अमाउंट ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें आपको मैसेज करने पड़ेगी. ठीक है, तो मेल ट्रांसफर का सिनेरियो ये नहीं है कि यहाँ जरूरी नहीं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके अकाउंट के थ्रू भी वो पैसा चला जाएगा दूसरे के अकाउंट में. बट दूज इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फिल थ्रू फॉर्म. एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के थ्रू पैसा ट्रांसफर करने का फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कीजिए, बैंक में दीजिए, दे विल ट्रांसफर द अमाउंट. आई बस समझ में, क्लियर हो गया. अमाउंट, बेनिफिशियरी नेम और साथ साथ में आपका अकाउंट नंबर. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मेथड, टेलीग्राफिक ट्रांसफर. टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये आपका अर्जेंटली पैसा भेजने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका था इन द ट्रेडिशनल, इन अ ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, सो टेलीग्राफिक ट्रांसफर में क्या होता था कि टू सेंड मनी अर्जेंटली. अर्जेंटली का मतलब जिसको तुरंत से जरूरत है पैसे का, यहां पर टेलीग्राफिक ट्रांसफर को रिक्वेस्ट किया जाता था. लेकिन टेलीग्राफिक ट्रांसफर जैसे बाकी ट्रांसफर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट टेलीग्राफिक ट्रांसफर में आपके नॉमिनल चार्जेस को लिया जाता था. नॉमिनल चार्जेस यानी बहुत कम पैसे, फी जो है उसके लिए, उस फैसिलिटी के लिए आपसे लिया जाता था. इस तरीके की फैसिलिटीज लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं थी. ऑलवेज रिमेंबर दीज काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल इन द ऑल ब्रांचेस. इवन अभी भी बहुत सारे ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेस में अवेलेबल है. और मेल ट्रांसफर जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, ये दोनों के लिए हमें बेनिफिशियरी के आइडेंटिफिकेशन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट डिटेल गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो आपके दूसरे अकाउंट में पैसा जा सकता है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस. और इसके लिए कई बार बेनिफिशियरी का एड्रेस भी मेंशन किया जाता है, मतलब बेनिफिशियरी का एड्रेस यानी जहां पर वो रहते हैं उसका भी एड्रेस भी आपको मेंशन करना है. बट द टेलीग्राफिक ट्रांसफर में और मेल ट्रांसफर में यही डिफरेंस है कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर में पैसा अर्जेंट अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा लगा करके आपको पैसा को ट्रांसफर करना है. क्लियर होगी बात, समझ में आया. नेक्स्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट. आई गेस इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रैवलर चेक बता दिया था ना, ट्रैवलर चेक. ठीक है, बैंक ड्राफ्ट देखते हैं. अच्छा, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह मनी ट्रांसफर करना है तो बैंक जो है वो बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट को इश्यू करती है. बैंक ड्राफ्ट एंड डिमांड ड्राफ्ट बोथ आर सेम. ठीक है, दोनों को क्या करती है वो, बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट सेम है. तो ऑन देयर ब्रांचेस एट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि एक जगह से हमने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और हमने जहां पर भी उसको देना है वहां पर हमने उसे दे दिया. बैंक ड्राफ्ट किस तरीके से बनता है, यानी डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, उसका मेथड बताते हैं. डिमांड ड्राफ्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट, कोई जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए. आई बस समझ में. जैसे मान लो कि मुझे अपने जो मुझे कॉलेज का फॉर्म वो फी भरना था तो मैंने भी डीडी बनवाया था. सो कई बार ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो डीडी का डिमांड करते हैं आपसे, है ना. उसमें आपका जो बेनिफिशियरी का नाम है यानी जिसके लिए, जिसके अकाउंट में वो पैसा जाएगा, जो पैसा के थ्रू आप डीडी बनवा रहे हो, जिसके भी अकाउंट में जाएगा उसका नाम लिखना है. अगर वो कोई ऑफिस है तो ऑफिस का नाम लिखिए. आ रही बात समझ में. उसके बाद अमाउंट बता दीजिए, उसमें क्या क्या चीजें होंगी. आपका नाम होगा, बेनिफिशियरी का नाम, अमाउंट होगा. ठीक है, और एक चेक, देखो प्रिंटेड चेक के जैसे, देखा ना चेक कैसा होता है, रिटन होता है क्योंकि हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, बना के देते हैं, लेकिन वो एक प्रिंटेड फॉर्म में होगा. बस जो चेक का साइज होता है सेम होता है डिमांड ड्राफ्ट का, बस वो किस फॉर्म में होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होगा. वो बैंक वाले आपसे पैसा ले लेंगे, जैसे मैंने, मुझे 5,000 का बनवाना है, 5,000 ले लिया, 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया. अब वो डीडी का यूज एकदम सेम चेक की तरह है, वो जो डीडी है वो जिसको भी देना है बेनिफिशियरी को देंगे. अब वो सीधे कहां जाएगा, बैंक में जाएगा. अब बैंक के थ्रू वो पैसा मिल जाएगा. सो डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो कई बार कैश दे करके बनता है, मतलब पैसा देना पड़ता है, 5,000, 10,000, 20,000. आ रही बस समझ में. चेक के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनता है, एट द टाइम बन जाएगा डिमांड ड्राफ्ट, डीडी आपका.
चलिए नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 85 ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा सेक्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881. सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के 85 ए सेक्शन क्या बोलता है आपके डिमांड ड्राफ्ट के बारे में. सो वो बोलता है कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है इट इज एन ऑर्डर टू पे मनी. जिस तरीके से चेक एक तरीके का ऑर्डर होता है पैसा पे करने का, वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट एक ऑर्डर है कि पैसा पे करो. ठीक है. ड्रॉन बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक अपॉन द अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक फॉर द सम ऑफ मनी पेबल टू ऑर्डर ऑफ डिमांड, ऑर्डर ऑन डिमांड. अच्छा एक चीज यहां पर मैं आपको बताना भूल गई, याद रखिएगा कि जैसे डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो हमेशा उसी अकाउंट में बनता है जिस अकाउंट में जो बैंक में बेनिफिशियरी का अकाउंट है. कॉन्सेप्ट समझ आया? जैसे मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने मेंशन कर दिया दैट डिमांड ड्राफ्ट इज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो यू कैन बेसिकली मेक द डीडी फ्रॉम एसबीआई एंड दैट एसबीआई का जो डीडी है वो उसी के एसबीआई अकाउंट में पैसा जाके क्या होगा, क्लियर होगा. समझ में आई बात? तो ये एक तरीके का ऑर्डर है पैसा पे करने का, और किसके अकाउंट में, बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाएगा, और वो भी सेम ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए जिससे डीडी बना है और जिसमें बेनिफिशियरी का अकाउंट है, दोनों सेम होना चाहिए. इसीलिए जब मैंने अपने ऑफिस कॉलेज का फी भरा था तो नीचे मेंशन था कि डिमांड ड्राफ्ट इज फ्रॉम एसबीआई, है ना. ब्रांचेस कैन बी चेंज, और ऐसा नहीं कि ब्रांच सेम होना चाहिए. जैसे मैंने जो एसबीआई का बनवाया वो मैंने साउथ एक्स ब्रांच से बनवाया और वो था नॉर्थ कैंपस ब्रांच से. आई बात समझ में? तो ब्रांच कैन बी डिफरेंट बट द बैंक कैन बी, बैंक हैव टू बी सेम. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास. ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन. अब यहां पर जो बैंक है, अब बैंक ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द पर्सन नेम्ड देयर इन हिज ऑर्डर. मतलब वही चीज है जो सेम मैंने बताया कि सेम बैंक में होना चाहिए, ब्रांच अलग हो सकता है, और इसलिए ऑर्डर है जिसमें बेनिफिशियरी को इतना पैसा देना है वो मेंशन होगा. सम जो है, सम का मतलब पैसा, अमाउंट. ठीक है. अब यहां पर आप याद रखिएगा कि ड्राफ्ट जो है वो हमेशा पेबल है ऑन डिमांड. कॉन्सेप्ट समझ आया? वाई? मतलब कि जब तक आपसे कॉरपोरेट ऑफिस या स्कूल कॉलेज डिमांड ना करे कि ड्राफ्ट बना के दीजिए, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज ऑलवेज मेड ऑन द डिमांड, हमेशा डिमांड पे बनता है, इसीलिए इसको डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं. जैसे कॉलेज वाले मेंशन अगर आपको कर देंगे ना कि नो अदर मोड इज टेकन फॉर द फी, ओनली डिमांड ड्राफ्ट इज अलाउड, तो इट इज अ वे वेयर दे आर डिमांडिंग फॉर डिमांड ड्राफ्ट. क्लियर? समझ में आ गई बात? लिखते चल रहे हो कि नहीं? छोटा मोटा पॉइंट लिखिए. अब जो बैंक ड्राफ्ट है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक रेमिट करने का तरीका है, ट्रांसफर करने का तरीका है, है ना. एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है. सेफ इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि उसमें वो एक ऐसा डिमांड ड्राफ्ट में आपका बेनिफिशियरी का नाम हमेशा लिखा होता है, तो जब भी पैसा जाएगा वो किसके अकाउंट में जाएगा, बेनिफिशियरी जिसका नाम है उसी के ही अकाउंट में वो पैसा जाएगा, है ना. अगर वो मान लो कि कहीं डीडी आपका गिर गया या थेफ्ट चोरी हो गया तो भी वो यूजफुल नहीं है दूसरे पर्सन के लिए, बिकॉज डीडी में बेनिफिशियरी के नाम के अकाउंट में ही पैसा जाएगा, है ना. लेकिन चेक को गिरा दिया नीचे साइन करके और ऊपर खाली छोड़ दिया तो बहुत बड़ा घपला हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल दैट. हाँ, लेकिन अगर उसमें भी अगर आपने क्रॉस चेक कर दिया तो नहीं होगा प्रॉब्लम. चलिए, सो बैंक ड्राफ्ट में आपके कितने पार्टीज होते हैं देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि देयर आर थ्री पार्टीज टू अ बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट में कितने पार्टीज हैं? तीन है. पहला है द ड्रॉअर. पहला कौन होगा? द ड्रॉअर, जो बनवा रहा है. ठीक है. सेकेंड द ड्रॉवर ब्रांच, मतलब जो ड्रॉवर ब्रांच कौन होगा. जैसे कि मान लीजिए कि एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है मान लीजिए फ्रेजर रोड वाला, तो एसबीआई फ्रेजर रोड वाला बैंक से हमने डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ करवाया, तो द जो ड्रॉवर कौन होगा, द ड्रॉवर ब्रांच एसबीआई फ्रेजर रोड, एग्जाम्पल के लिए. द ड्रॉई ब्रांच कौन होगा, द ड्रॉई ब्रांच जहां पर वो जाके फाइनली डिपॉजिट होगा, तो ड्रॉई अकाउंट वो हो गया जिसको जाके फाइनली जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो वो ड्रॉई ब्रांच. हाँ बिल्कुल, लेकिन बैंक सेम होना चाहिए. जैसे कि अभी फ्रेजर रोड एसबीआई में थे हम मान लीजिए बोरिंग रोड एसबीआई में आ गए. ठीक है, तो ड्रॉई बैंक इज इन फ्रेजर रोड, ये एसबीआई
बोरिंग रोड, बैंक इज सेम बट द ब्रांच इज डिफरेंट, बैंक लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आएगा द पे, पे कौन होगा, जो डिमांड ड्राफ्ट को बनवा रहा है, जो पैसा पे कर रहा है, ठीक है। तो पे हो गया जो आपका बनवा रहा है डिमांड ड्राफ्ट। तो देयर आर थ्री पार्टीज इन दिस। अब जो परचेजर होगा ड्राफ्ट का डज नॉट रिमेन अ पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, ही एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन देयर ऑफ। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे का मतलब ये सेंस में बोला है कि जिसको पैसा पे हो रहा है, पे जो बनवा रहा है उसके लिए नहीं है ये। तो यहाँ पर इन्होंने साफ ये लाइन इसलिए मेंशन कर दिया कि जो फोर्थ अगर हम पार्टी देखें तो यहाँ चार पार्टी तरीके से हो सकता है ना, एक ड्रॉवर ब्रांच, एक जो ड्रॉवर होगा वो, एक जो पैसा जिनको मिलेगा, और एक फाइनली जिसके पास वो जहां पर वो डिमांड ड्राफ्ट जाएगा, यानी कि आपके पे के अकाउंट। तो इसमें चार पार्टी की जगह तीन ही पार्टी को लिया गया है कि जिन्होंने बनवा रहे हैं उनको नहीं लिया गया यहाँ पर, ठीक है। बस ड्रॉवर ब्रांच को लिया गया जो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका। और एक चीज याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर, एक चीज, जो ड्रॉवर है यानी जो डिमांड ड्राफ्ट को बनवा रहा है, ठीक है, मान लो कि कोई ए पर्सन है वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहा है, ठीक है, और इसने पे करना है किसी बी को, तो ए का अकाउंट होना उस बैंक में जरूरी नहीं। मान लो कि ए का अकाउंट एसबीआई में नहीं है, और मेरे साथ मेरा भी एसबीआई में अकाउंट नहीं था, तब भी मैंने कहां से बनवाया, एसबीआई से बनवाया, ठीक है। अब लेकिन क्या बी का अकाउंट होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल, बी का अकाउंट यानी जिसके लिए आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं उसका अकाउंट होना बैंक में बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आपका होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको आप पे कर रहे हो उसका उस बैंक में अकाउंट होना बहुत जरूरी है। बैंक सेम होगा, ब्रांच अलग हो सकता है, बैंक लेकिन सेम होना चाहिए। ब्रांच कहीं का भी हो सकता है, पूरे एसबीआई में कहीं का भी ब्रांच, लेकिन बैंक सेम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि जो कस्टमर जो होल्ड करेगा फाइनल डिमांड ड्राफ्ट को वो बैंक का कस्टमर होना चाहिए, लेकिन जो ड्रॉवर है, जो ड्रॉ करवा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका कस्टमर हो बैंक का। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्लियर हो रहा है सबको? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन इज, ध्यान दीजिएगा, लीगल स्टेटस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। अच्छा, आप लोग को मैं स्पीसमैन दिखा दूं, सब लोग देख लीजिए, इसका फोटो ले गए थे? हाँ, दिख रहा है सबको स्पीस? दिख रहा है सबको स्पीसमैन ऑफ बैंक ड्राफ्ट? एवरीवन, आई एम आस्किंग समथिंग। यस मैम। दिख रहा है बेटा सबको? यस मैम। ये स्पीसमैन होता है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है सबको? ये आपका बैंक ड्राफ्ट का स्पीस है। यहाँ पर जैसे यहाँ, अरे यहाँ साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, इसी से मैंने बनवाया भी था। तो यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम होगा, जो स्पीसमैन है उस हिसाब से आपका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होगा, जो नंबर के थ्रू बना है उसका नंबर होगा, कितना रुपया देना है, कितना रुपया का डिमांड ड्राफ्ट है, रुपीज उसमें मेंशन होगा, लाइक 7500 रुपीज इज मेंशन। ऑन डिमांड पे टू, मतलब जिसको देना है उसका नाम होगा, फिर रुपी को हम लोग वर्ड में लिखेंगे, जैसे चेक में कैसे लिखते हैं, एक जगह फिगर में और एक जगह पे वर्ड्स में, वैसा लिखेंगे। और किस, यहाँ पर और भी चीजें मेंशन है कि किसने बनवाया, मतलब ये बनवाने का कौन था, अकाउंट मैनेजर वगैरह, ये सब मेंशन होगा थोड़ा बहुत नीचे। सो एक तरीके से एक फुल इंफॉर्मेशन होगा और एक सेफर इंस्ट्रूमेंट आपके लिए होगा। क्लियर हो गया? चलिए, लीगल स्टेटस क्या है बैंक ड्राफ्ट का? बैंक ड्राफ्ट एंड डिमांड ड्राफ्ट आर सेम, ऑलवेज रिमेंबर, बैंक ड्राफ्ट एंड डिमांड ड्राफ्ट आर सेम। चलिए, लीगल स्टेटस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। देखो, बैंक ड्राफ्ट जो है वो कोई ज्यादा स्पेशली मेंशन नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपकी तीन ही चीज मेंशन है, दैट इज चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, वी ऑल नोज अबाउट इट। सो बैंक ड्राफ्ट जो है दैट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, स्पेशली मेंशन इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 में सिर्फ तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पता है ना, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, डिमांड ड्राफ्ट की, तो दैट इज समहाउ, दैट इज रिजेंबलेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये किस तरीके से रिजेंबलेंस है इसका, मतलब सेम टाइप का, किसका है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप का है, ठीक है। और यहां सेक्शन 5 में आपका
मतलब अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन देखें, सेक्शन 5 में मेंशन है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक कौन से वाले मेंशन है, 6 में, और ये सेक्शन 4 में आपका प्रॉमिसरी नोट है ना। तो यहां पर आपका जो सेक्शन 5 में जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन है, अगर उसकी बात माने तो डिमांड ड्राफ्ट आपका बिल्स बिल ऑफ एक्सचेंज सेम है, ठीक है, बीओई और वो सेम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ चीजें यहां पर मेंशन क्या किया है, सुनिएगा। द इलाहाबाद हाई कोर्ट held that a bank draft is a bill of exchange because it fulfills all the essential requisites of a bill. मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात बोला है कि आपका जो बैंक ड्राफ्ट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा बिल्कुल सेम है, क्योंकि सारी एसेंशियल जो बिल ऑफ एक्सचेंज में है वही सारी चीजें आपके डिमांड ड्राफ्ट में भी है। ये इंस्ट्रूमेंट है जो एक राइटिंग में है, कंटेन कर रहा है, अनकंडीशनल है। खैर प्रोमिसरी नोट भी अनकंडीशनल होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या मेजर डिफरेंस होता है? प्रोमिसरी नोट में मैम, प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू ऑर्डर होता है पेमेंट करने का। नहीं, इसमें इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस है इसका। वेरी गुड, दैट इज द मेन डिफरेंस कि प्रोमिसरी नोट में जो आपका जो बनेगा वो बनेगा डेटर के द्वारा, यानी जिसने पैसा लिया है। मान लो मैंने पैसा किसे 5,000 लिया, तो आई एम गोइंग टू मेक द प्रोमिसरी नोट एंड आई एम गोइंग टू गिव द प्रोमिस दैट आफ्टर दिस दिस इज द मैच्योरिटी टाइम, दिस इज द टाइम जहां जब मैं पैसा पे कर दूंगी, 2 साल के अंदर अंदर पे करना, 2 साल के अंदर अंदर पे करूंगी, that is promissory note. But in the case of bill of exchange, the creditor is going to make that, like whoever is going giving you money, that person is going to make the bill of exchange, right? So ye yaad rakhiyega, bill of exchange aur promissory note mein difference. Chaliye, to ye Allahabad high court ne ye cheez bola hai ki bank jo draft hai wo bill of exchange same hai, sare essential fulfill kar raha hai. ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई कंडीशन, प्रोमिसरी नोट और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों अनकंडीशनल होता है, होता है कि नहीं? किस सेंस में, जैसे मैंने बताया था कि मान लो कि प्रोमिसरी नोट में मेंशन है कि आई विल पे द सम व्हेन आई विल गेट मैरिड, तो ऑब्वियसली देयर इज नो आइडिया दैट व्हेन दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड, द डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, राइट? सो इन दैट सिचुएशन दैट इज द कंडीशंस। तो कंडीशंस आर नेवर अप्लाइड ऑन द प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड द सेम थिंग इज विद द डिमांड ड्राफ्ट एज वेल। You cannot apply the conditions while paying the amount, paying the certain sum. Clear हो गया? So ये भी आपका unconditional है। अब आप ये चीज देखिएगा, अब मतलब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है। अब stopping payment of bank draft, ऐसे कलकत्ता उस समय कलकत्ता था, अब तो कोलकाता हो गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पर भी कुछ एक सिचुएशन दिया हुआ है आपके बैंक ड्राफ्ट का, लेकिन ठीक है उतना ज्यादा डीपली नहीं जरूरत है, अब आगे पढ़ते हैं। स्टॉपिंग पेमेंट ऑफ बैंक ड्राफ्ट, कौन से सिचुएशन में आपका बैंक ड्राफ्ट को पेमेंट नहीं होगा, ठीक है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, सब कुछ ऐसा है जिसके थ्रू पैसा आपका क्लियर होता है, होता है ना, पैसा क्लियर होता है आपका डिमांड ड्राफ्ट, आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सब। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो चेक होता है वो ड्रॉन होता है ड्रॉअर के द्वारा, जिसको चेक दूसरे को देना होता है, जैसे अब डिमांड ड्राफ्ट का भी सेम सिचुएशन, जिसको देना है वही ड्रॉ करेगा, है ना? सो चेक इज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर ऑन हिज बैंकर एंड द ड्रॉअर पोजेस द राइट टू स्टॉप इट्स पेमेंट, और सिर्फ जो ड्रॉअर है उसी के पास है राइट पेमेंट को रोकने का, चेक में, चेक की बात कर रही हूं मैं, कि जैसे मान लो कि मैंने किसी को चेक बना के दिया, मान लो रजत को मैंने चेक दिया 20,000 का, एग्जाम्पल के लिए दूंगी नहीं, ठीक है, तो 20,000 का मैंने तुम्हें चेक बना के दिया। अब मेरे पास राइट है कि मैं इसका जो 20,000 रुपीज है अगर मैं चाहूं तो उस पेमेंट को रोक दूं, तो ओनली ड्रॉवर हैव राइट टू स्टॉप द पेमेंट इन द केस ऑफ चेक। यहां तक आ रही है बस समझ में, क्लियर? लेकिन याद रखिएगा बिफोर, मतलब बिफोर इट इज एक्चुअली मेड, अब यहां भी एक सिचुएशन अप्लाई हुआ है कि बिफोर इट इज एक्चुअली मेड, यानी बनाने से पहले या फिर मुझे कितना पैसा देना है वो सारा कंट्रोल ड्रॉअर के हाथ में होता है। एक बार अगर चेक चला गया और अगर कोई कंडीशन ऐसा हुआ कि मान लो कि कई बार डबल चेक चला जाता है बहुत लोगों को, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन विद स्पेशल रिक्वेस्ट आप रोक सकते हो, लेकिन ड्रॉवर के पास तब तक राइट है तब तक जब तक आपके पास चेकबुक है, आपने चेक कितने का बनाना वो सारे राइट्स ड्रॉवर के पास है, ठीक है?
अब यहाँ पर देखिएगा, बट द परचेजर ऑफ बैंक ड्राफ्ट डज नॉट स्टैंड एट पार विद द ड्रॉअर ऑफ अ चेक. मतलब यहाँ पर सिचुएशन वो बिल्कुल भी नहीं है आपके चेक की तरह. यहाँ पर आपको जो राइट नहीं है कि आप पेमेंट को रोक सकते हैं, एक बार अगर आपने दे दिया तो यू कैन नॉट स्टॉप द पेमेंट. आ रही बात समझ में? सो बट द परचेजर, यहाँ पर परचेजर वर्ड यूज किया जा रहा है. परचेजर जैसे ट्रैवलर चेक भी परचेज किया जाता है, यहाँ पर परचेजर वर्ड यूज किया जा रहा है. आपके सामने ही डिमांड ड्राफ्ट बना के, स्पेशल एक मशीन होता है उसके थ्रू आप वो बना के देंगे. तो एक तरीके से जो परचेजर है डिमांड ड्राफ्ट का, ठीक है, डज नॉट स्टैंड एट पार विद द ड्रॉअर ऑफ अ चेक. इनफैक्ट जो परचेजर है आपके, परचेजर ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट डज नॉट रिमेन अ पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट. यानी कि वो पर्सन जिसने बनवाया चेक, मैंने बनवाया डिमांड ड्राफ्ट, मैं तो पार्टी भी नहीं हुई. किसकी? उसकी. मैंने बताया था ना कि तीन पार्टीज में दे आर नॉट इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज मेकिंग, हु इज, हाँ, जो बनवा रहा है डिमांड ड्राफ्ट उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी डोंट हैव एनी राइट दैट वी कैन स्टॉप द पेमेंट वंस वील गिव दैट डीडी टू द अदर पार्टी. आई बस समझ में? लेकिन द सिचुएशन ऑफ चेक देयर इज अ कंडीशन वेयर वी कैन डू सम कंट्रोल एंड स्टॉपिंग द पेमेंट, बट इन द सिचुएशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट वी कैन नॉट डू दैट. वंस वील डिपॉजिट डीडी देन आर राइट इज ओवर. एग्जैक्टली, ठीक है. Only the issuing and paying branches of the bank and the pay remains party thereto. And by issuing a bank draft, the banker takes upon himself a commitment in favor of third party to pay certain amount of money. क्योंकि यहाँ पर party खत्म हो गया, third मतलब जो मैंने बनवाया खत्म हो गया, अब सिर्फ बचा है जो drawer bank है वो, मतलब जिसने वो draw किया है demand draft को, सिर्फ उसके पास right है कि वो किसी reason से stop कर सकता है. लेकिन अगर मैंने बनवाया तो मेरे पास राइट नहीं है कि मैं उस पेमेंट को स्टॉप करूं. आई बात समझ में? द ड्रॉवर बैंक हैव राइट, आइदर दे कैन स्टॉप द पेमेंट फॉर एनी ऑफ द रीजन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इफ आई, मतलब आई वाज इन्वॉल्वड इन मेकिंग दैट डीडी, मींस आफ्टर गिविंग दैट टू द थर्ड पार्टी, आई एम नॉट अलाउड टू स्टॉप द पेमेंट. कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. अब यहां पर जो बैंकर है should therefore not comply with the stop payment instrument instructions issued by the purchaser of draft. तो यहाँ पर बस याद रखिएगा कि अगर कोई payment रुकवा सकता है तो वो है सिर्फ drawer bank. Clear हो गया? Loss of draft. I think clear हो गया होगा तुम लोगों को कि कौन payment वाला situation clear हो गया? Yes. Instrument कितना legal है वो clear हो गया? Because that is a replica of what? Bill of exchange. So that is not in the section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881, but it is like a bill of exchange. So that is a valid instrument. So ये तो clear हो गया, समझ में आ गया. अगर हम बात करें payment रोकने का, तो the person who is involved in the drawing that DD, that person is not allowed to stop payment. Either the bank have only right, drawer bank have right to stop the payment in some condition or in some situation. Otherwise, we have, being an individual person, we don't have any right for that. ठीक है? But in the same situation, check में ऐसा नहीं होता है. We can stop the payment as well, right? चलिए, loss of draft का situation में क्या होगा? Loss of draft मतलब draft जो है खो गया, भुला गया, गिर गया, कुछ भी ऐसा situation आया. So demand जो draft है, may be lost by the purchaser before it is handed over to the payee. यानी कि अगर demand draft मैंने बनवाया, डीडी मेरे पास है, अब मुझे उसको जाके सबमिट करना है ना. सो जो डिमांड ड्राफ्ट है वो हो सकता है लॉस हो गया पहले परचेजर से. यहाँ पर वर्ड ना परचेजर यूज किया है हम लोगों के लिए, जो हम लोग बनवाते हैं, हम लोग परचेजर है, तो परचेजर को थर्ड पार्टी में, पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. लेकिन मैंने, मान लो मेरे से डीडी गुम हो गया बिफोर गिविंग और हैंडिंग इट टू द पर्सन, जिसको, जो थर्ड पार्टी है, जो ड्रॉई है, जिसको देना है, उससे पहले मैंने गुम कर दिया, भुला दिया. If the purchaser reports to the issuing banker the loss of draft without any endorsement, the banker may safely refuse payment of the same because any endorsement thereon on the behalf of payee would be deemed to be forged endorsement and title of the holder would not be considered good. Concept समझ में आया? नहीं आया? अगर purchaser ने report किया bank में कि अब banker को कि भाई मेरा जो demand draft है वो गुम हो गया है, भुला गया है,
और विदाउट एनी एंडोर्समेंट, यानी मतलब कोई भी थर्ड पार्टी को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है अबाउट दैट कि गुम हो गया है आपका डीडी, तो बैंकर जो है वो आराम से रिफ्यूज कर देगा पेमेंट को. ठीक है, बैंकर रिफ्यूज कर देगा पेमेंट ऑफ द सेम बिकॉज एनी एंडोर्समेंट देयर ऑन द बिहाफ ऑफ द पे वुड बी डीम्ड टू बी फॉर्ज एंडोर्समेंट एंड टाइटल ऑफ होल्डर वुड बी नॉट कंसिडर्ड गुड. इसका मतलब है कि अगर मेरे से गुम हो गया डिमांड ड्राफ्ट, मेरे से गुम हो गया, अब वो डिमांड ड्राफ्ट में नाम किसका होगा, पर्टिकुलर मान लो किसी कॉलेज का होगा, अब वो भुला गया तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट रुक जाएगा आपका, मतलब वो थर्ड पार्टी का पेमेंट नहीं होगा. जिसको मुझे पे करना तो उसको पे नहीं होगा क्योंकि मैंने इशू कर दिया ना, मैंने वहां पर बता दिया, इशू रेज किया कि भाई मेरा जो डीडी है वो गुम हो गया है. लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब आपका डिमांड ड्राफ्ट गुम हो जाएगा तो मे बी हो सकता है कि आपका जो पेमेंट रुक जाए, लेकिन आपका दोबारा से डीडी बनेगा कि नहीं ये एक श्योरिटी नहीं है. ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन यही है कि अगर इफ परचेजर जो है अगर उसने रिपोर्ट कर दिया बैंक को लॉस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट का कोई भी एंडोर्समेंट के बिना, तो बैंकर जो है वो रिफ्यूज कर देगा पेमेंट ऑफ द सेम, रिफ्यूज कर देगा यानी पेमेंट क्लियर नहीं करेगा बिकॉज कोई भी एंडोर्समेंट उसके बाद वो कहलाएगा कि मतलब श्योरिटी नहीं है ना कि किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है. ऐसे तो डिमांड ड्राफ्ट उसी के अकाउंट में जाएगा जिसके नाम पे बना है, लेकिन फॉर्स्ड एंडोर्समेंट होगा, जाली एंडोर्समेंट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो गुम हो गया है. और ऐसे सिचुएशन में आपका जो होल्डर है उसका टाइटल सही नहीं रहेगा, यानी बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में डालना था उसके लिए हमें बस हमारे पास श्योरिटी नहीं रहेगा. ठीक है, मतलब फॉर्ज्ड हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि गुम होने के बाद वो किसी तरीके से थर्ड पार्टी के पास गया, तो पेमेंट क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, अब बैंकर शुड इमिडिएटली इन्फॉर्म द ड्राई ब्रांच अबाउट द लॉस ऑफ द ड्राफ्ट, यानी कि तुरंत से जो भी बैंक में मतलब ड्रॉई बैंक होगा जिसके थ्रू वो पैसा निकलेगा. ठीक है, यानी कि वहां पर वो भी मेंशन होता है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, इस ब्रांच में अकाउंट है, एसबीआई का इस ब्रांच में अकाउंट है, तो वो भी नीचे मेंशन होता है कि कौन से ब्रांच में जाके ये डिमांड ड्राफ्ट को क्लियर होना है. तो अगर ड्रॉई ब्रांच को एट द टाइम जो ड्रॉवर बैंक है वो तुरंत से मैसेज करेगा, इन्फॉर्म करेगा, और ड्रॉई ब्रांच शुड नोट द लॉस, और ड्रॉई ब्रांच जो होगा जिसके थ्रू वो पैसा क्लियर होना है वो लॉस को नोट कर लेगा कि इस तरीके का अगर कोई भी डिमांड ड्राफ्ट आएगा तो उसको क्लियर नहीं करना है. ठीक है, इफ द ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय समवन, ऑब्वियसली कहीं गिर गया है तो कोई ना कोई उसको उठाई लेगा डिमांड ड्राफ्ट को, और अगर मान लो कि ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए किसी के द्वारा, तो बैंकर शुड रिटर्न इट विद द रिमार्क, और बैंकर उसको रिटर्न कर देगा रिमार्क के साथ, उस ड्राफ्ट को रिटर्न कर देगा, यानी उसको क्लियर नहीं करेगा, और उसमें क्या लिखेगा, ड्राफ्ट रिपोर्टेड टू बी लॉस्ट, यानी ड्राफ्ट को पाया गया है कि ये गुम हो गया है. ठीक है, पे इंडोर्समेंट रिक्वायर्स वेरिफिकेशन, यानी जिसके भी अकाउंट में पैसा जाना है उसके द्वारा वेरिफिकेशन चाहिए. ठीक है, और अंडर दिस सर्कमस्टांस बैंकर जो है वो बहुत कॉशियस रहेगा, और पेमेंट के लिए एक बार जब तक वैलिड टाइटल उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक उसका क्लियरेंस नहीं होगा. कुछ समझ आया पॉइंट? एक्चुअल में सिचुएशन, अब सिचुएशन क्या है सुनना, जैसे कि मान लो कि मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, ठीक है, और मैं गई और मैंने गुम कर दिया डिमांड ड्राफ्ट, और फिर मैं तुरंत से बैंक के पास गई क्योंकि मुझे तो पता है मैंने कहां से बनवाया, क्योंकि मैं परचेजर हूं डीडी की, मैं तुरंत से गई, मैंने बताया कि ऐसे से मेरे साथ हुआ, बैंक का डीडी गुम हो गया. अब तुरंत से वो जो डीडी नंबर, तो उनके पास इंफॉर्मेशन तो होता है बैंक के पास, तुरंत से जिस ब्रांच के लिए मैंने वो डीडी बनवाया था, मान लो कि मैंने एसबीआई फ्रेजर रोड के लिए डीडी बनवाया, तुरंत से वहां कॉल जाएगा कि इस संख्या का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो लॉस्ट हो गया है, यानी गुम हो गया है, और परचेजर जो है वो इसका इंफॉर्मेशन देने आया है, तो ड्रॉई बैंक जो है ना वो रोक लेगा पेमेंट को. अगर मान लो कोई डीडी लेकर दूसरा पर्सन आया तो उस डीडी में आप क्या लिखिएगा कि डिमांड ड्राफ्ट इज रिपोर्टेड एज टू बी लॉस्ट, मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट को गुम हो चुका था डीडी. ठीक है, और आप अगर इसका क्लियरेंस चाहते हो तो जिसके लिए डीडी बनाया गया था उसका वेरिफिकेशन दीजिए. ठीक है, मान लो कॉलेज का वेरिफिकेशन कुछ का भी हुआ, खैर देखो डीडी का कोई यूज नहीं कर सकता, सेफर इंस्ट्रूमेंट है ना, लेकिन अगर कोई भी आया तो भी एक बार बैंक कॉशियस तो हो ही जाएगा बिकॉज गुम हो चुका है.
और इस तरीके से आपका बैंकर बहुत ध्यान से पेमेंट को देखेगा और वैलिड टाइटल यानी जो वो डीडी बनाया गया था उसमें जो टाइटल था क्या अभी भी वही टाइटल पे वो डीडी क्लियर होगा, तो अगर वहां से वेरिफिकेशन मिल जाएगा तो क्लियरेंस होगा, ठीक है, क्लियरेंस क्या होगा, होगा। लेकिन वो जिसने परचेजर ने बनवाया, जो परचेजर ने बनवाया यहां पर उसका लॉस बहुत बड़ा है क्योंकि उसका नाम मेंशन नहीं होता है डीडी में, है ना। तो जिसने भी जमा कर देगा वो उसके नाम का, मान लो कि एक स्टूडेंट को जमा करना था पैसा, दूसरे स्टूडेंट को अगर वो डीडी मिल गया तो वो उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया एक तरीके से, जैसे कैसे ब्यूरेट चेक वाला सिचुएशन था, जिसके पास है उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये सिचुएशन रेज हो सकता है, लेकिन अगर वो लॉस हो गया है तो पेमेंट तुरंत से क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन, इशू ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट, इशू ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट, ठीक है। अगर ड्राफ्ट लॉस हो गया परचेजर के द्वारा एंड ही रिक्वेस्ट द बैंकर टू इशू अ डुप्लीकेट वन, और उसने बोला कि मुझे डुप्लीकेट बना के दीजिए, तो द बैंकर शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कुछ स्टेप्स लेंगे, वो बहुत केयरफुल रहेंगे और क्या क्या चीजें लेंगे स्टेप्स। बैंकर शुड बी सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द रिक्वेस्ट टू इशू अ डुप्लीकेट ड्राफ्ट। पहली बात तो वो जो रिक्वेस्ट होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो डुप्लीकेट वाले सिचुएशन में लिखना, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट में क्या सिचुएशन आएगा कि पहली बात तो बैंकर को क्लियर होना चाहिए जेन्युइननेस कि भाई सही में उसका ड्राफ्ट गुम हो गया है। आई बात समझ में? डीडी क्या हो गया है, गुम हो गया है, ठीक है। अब एक यहां पर पॉइंट आता है कि तुम लोग को लगता है कि मान लो उसका डीडी गुम नहीं हुआ हो, ठीक है, और उसने डुप्लीकेट बनवा लिया, ऐसे सिचुएशन मान लो कहीं होता ना कि ऐसे ही रखा गया और नहीं मिला और उसके हमने डीडी दोबारा बनवा लिया, तो एक डिमांड ड्राफ्ट के बेसिस पर, एक डिमांड ड्राफ्ट के बेसिस पर हमेशा एक ही क्लियरेंस होगा। अरे बस समझो, डुप्लीकेट ड्राफ्ट बनेगा वो सेम नंबर से बनेगा, तो एक डिमांड ड्राफ्ट से सिर्फ एक ही बार पैसा क्लियर होगा। कुछ पॉइंट समझ आया? नहीं तो ऐसे क्या होगा कि डबल पेमेंट हो जाएगा, इसलिए एक डीडी के लिए एक ही पेमेंट, और अगर डुप्लीकेट चार भी बनेगा ना तो भी एक ही बार पैसा क्लियर होगा, याद रखिएगा ये चीज को, ठीक है। तो पहले बैंकर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा जेन्युइननेस के साथ। सेकंड चीज क्या देखना पड़ेगा, द कंफर्मेशन अबाउट द नॉन पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट मस्ट बी ऑब्टेंड फ्रॉम ड्रॉई ब्रांच, और ड्रॉई ब्रांच से वो कंफर्म करेगा कि पर्टिकुलर इस नंबर का जो डिमांड ड्राफ्ट है क्या वो क्लियर हो गया है। तो अगर वहां से रिप्लाई में आया कि यस दिस ये क्लियर हो गया है तो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में सेम नंबर का डिमांड ड्राफ्ट आपको डुप्लीकेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, लेकिन उससे पेमेंट कितनी बार होगा, बस एक बार। या तो पहले वाला डीडी मिल जाए तो वो जाके जमा करो, या तो दूसरा वाला डीडी मिल जाए तो उसको जाके आप डिपॉजिट करो, लेकिन क्लियरेंस ओनली वन टाइम। थर्ड है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि जो ब्रांच है, जो ड्राफ्ट है, रीच द हैंड्स ऑफ द पे, द लेटर शुड ऑल्सो बी साइन बाय इंडेमनिटी बॉन्ड, यानी कि वो एक पर्टिकुलरली उसमें साइन और प्रॉपर होना चाहिए, जैसे नॉर्मल आपका पहले डिमांड ड्राफ्ट था, सेम वही सिचुएशन में आपका डीडी होना चाहिए। आई बात समझ में? साइन वाइन होना चाहिए, नंबर भी सेम रहेगा डीडी में, नंबर विल नॉट गोइंग टू वैरी, या अगर नंबर वैरी भी करेगा तो उसमें लिखेगा विथ रेफर टू दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डीडी, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, सुन लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कि श्री ट्रेडर परचेजेस अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 10,000 फ्रॉम मुंबई ऑफिस, यानी कि श्री ट्रेडर है, उसने एक डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए के लिए 10,000 रुपए देना पड़ा, ठीक है। जैसे कैसे उसमें होता है आपका ट्रैवलर चेक में पैसा देते हैं उतने का ट्रैवलर चेक लेते हैं, वही से कि श्री ट्रेडर ने परचेज किया डीडी 10,000 का, किस ब्रांच से, मुंबई ऑफिस से लिया, और उसको जाके देना था पुणे ब्रांच के श्री पूनम पता नहीं क्या है, पूनम ही मान लो, श्री पूनम के फेवर में उसको देना था, मतलब कोई ट्रेडर्स थे, एक का ब्रांच मुंबई में था, मतलब बनवाया मुंबई से लिया और पुणे में देना था, ठीक है। आफ्टर टू डेज ऑफ परचेजर्स कम्स टू द मुंबई ऑफिस एंड रिपोर्ट दैट इट मिस ही हैज मिसप्लेस द ड्राफ्ट, और वो आया दो दिन बाद और उसके बाद उसने मुंबई ऑफिस में बताया कि उसने मिसप्लेस कर दिया है ड्राफ्ट को, ही वॉन्ट्स अ डुप्लीकेट ड्राफ्ट टू बी इशूड, और वो क्या चाहता था कि उसको डुप्लीकेट ड्राफ्ट मिल जाए। अब ड्रॉवर ब्रांच जो था मस्ट इंक्वायर फ्रॉम द ड्रॉई ब्रांच, वही ड्रॉई ब्रांच यानी पुणे के ब्रांच से इंक्वायरी किया कि ड्राफ्ट जो है वो पेड है या अभी तक आउटस्टैंडिंग है,
यानी कई बार वहां पर जाने के बाद भी आउटस्टैंडिंग रहता है, पेमेंट नहीं होता है, तो क्या वो पेड है, मिल गया है या आउटस्टैंडिंग है, क्या है बताइए। तो यहाँ पर ड्राई ब्रांच ने एडवाइस किया कि निगोशिएट द ड्राफ्ट विथ केयर, ठीक है, ऑल्सो एडवाइस ऑन रिसिप्ट ऑफ इट रिप्लाई द ड्राफ्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, द ड्रॉअर ब्रांच विल आस्क द परचेजर टू साइन एंड स्टैम्प ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है कि जहां पर आपका कोई भी चीज गुम हो जाता है तो एक गारंटी की तरह, तो उस पर उन्होंने साइन करवाया और उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी उसको इश्यू कर दिया, किसको, आपके स्ट्रीट ट्रेडर्स को, ठीक है। अब कैंसिलेशन ऑफ ड्राफ्ट इज द सिचुएशन कि जहां पर कैंसिलेशन करते हैं हम ड्राफ्ट का, क्या क्या रीजन है, लीगल पोजिशन क्या है जिसके जो होल्डर है ड्राफ्ट का वो, पेमेंट कैसे करेंगे और आरबीआई ने डिमांड ड्राफ्ट के लिए क्या क्या रेगुलेशन निकाला, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ट्रैवलर चेक में आई थिंक किसी को कोई डाउट है, ट्रैवलर चेक क्लियर है सब? ओके, ट्रैवलर चेक करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मॉडर्न टेक्निक्स में, NEFT, ठीक है, RTGS वगैरह क्या है और एक किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और RBI का क्या रेगुलेशन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एनी डाउट वट एवर वी स्टडीड अबाउट द बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर है, थर्ड ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है, अनकंडीशनल होता है, क्या होता है, अनकंडीशनल होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रिप्लिका ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज दिस पॉइंट इज गिवन बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्लियर है। उसके अलावा व्हाट इज द नॉन पेमेंट, किस तरीके से हम पेमेंट रोक सकते हैं, किसके पास राइट है पेमेंट रोकने का, वो हमने पॉइंट पढ़ा। और हमने एक लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि इन द सिचुएशन ऑफ द लॉस्ट ऑफ ड्राफ्ट, यानी जब ड्राफ्ट गुम हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम कैसे डुप्लीकेट ड्राफ्ट को इश्यू करवा सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने आज पढ़ा। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द कैंसिलेशन ऑफ ड्राफ्ट। नहीं, डिमांड डीडी का भी क्लियर नहीं हो, इसका बहुत रेयर सिचुएशन होता है कि डीडी क्लियर नहीं किया गया, और ऐसे बात भी अगर डीडी क्लियर हो या ना हो डीडी क्लियर, ठीक है, डीडी का, डीडी में पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता चेक की तरह, जैसे चेक आपका बाउंस कर जाता है, अगर आपके आपने 1,00,000 का चेक दे दिया और आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए नहीं है तो बाउंस करिए चेक, बट द सेम सिचुएशन इज नॉट विद डीडी बिकॉज इन एडवांस दे आर टेकिंग द अमाउंट एंड देन आफ्टर दैट दे आर इशूइंग द डिमांड ड्राफ्ट, पहले पैसा लेंगे उसके बाद डीडी देंगे ना, तो वो एक तरीके का पैसा तो ऑलरेडी दे दिया आपने, तो आपका तो यूज ही वहां पर, आपका रोल परचेजर का रोल ही खत्म हो गया। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट हो ना हो क्या हो उससे परचेजर को कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एनी, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग।